हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के एक और वीडियो में। और इसमें चैप्टर 6 जिसका नाम है फ्रिक्शन, उसका एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इस चैप्टर में कुछ और टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बच गए थे, वही मैं आज इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, एन एफर्ट ऑफ 150 न्यूटन इज रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ सर्टेन बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 12 डिग्री, द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। बोल रहा है कि एक बॉडी है जिस पे 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं ये बॉडी है और इस पे 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है 12 डिग्री, और ये इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन इज मेड 15 डिग्री, द एफर्ट रिक्वायर्ड अगेन पैरेलल टू द प्लेन इज फाउंड टू बी 172 न्यूटन, तो फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। बोल रहा है कि जब ये एंगल 12 डिग्री था तो इसको ऊपर पुल करने के लिए 150 न्यूटन फोर्स लग रहे थे, बट जब ये एंगल 15 डिग्री हो गया तो वहां पर फोर्स कितना लग रहा है, 172 न्यूटन। तो पूछ रहा है कि ये बॉडी, ये दोनों बॉडी तो सेम ही है। बोल रहा है कि इन दोनों बॉडी का वेट क्या होगा और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जो प्लेन है ना, इनसे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू और डब्ल्यू दोनों पूछ रहा है। देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। जैसे मान लेते हैं ये बॉडी ए है, लिख लेते हैं यहां पर बॉडी ए, और इसको लिख लेंगे बॉडी बी। ओके, गिवन दिया है बॉडी ए में, गिवन दिया है पी वन यानी कि फोर्स वन दिया है 150 न्यूटन, और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसको मान लेते हैं अल्फा वन इज इक्वल टू दिया है 12 डिग्री, और ये बॉडी टू यानी कि पी टू दिया है हमें कितना 172 न्यूटन, और अल्फा टू यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 15 डिग्री। अब यहां पर बॉडी वन में ये वाला, इसमें अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन 12 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिपोज ये वाला भी कितना हो जाएगा 12 डिग्री। वैसे इसमें सेम ये वाला एंगल अगर 15 डिग्री है तो ये वाला एंगल ऑफ रिपोज भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा कितना 15 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कंसीडर बॉडी ए। अब बॉडी ए को देखते हैं, यहां पर बॉडी ए में इधर फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, और यहां पर वेट लगेगा इस बॉडी का, यानी कि यहां पर इसका एंगल ऑफ रिपोज दिया है 12 डिग्री। तो यहां पर अगर ये वाला अगर हम फोर्स निकालेंगे तो हो जाएगा W, W तो हमें पता नहीं है, cos 12 डिग्री, और ये वाला फोर्स हो जाएगा W sin 12 डिग्री। ये इंक्लाइंड है इन दोनों के बीच में, तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो प्लेन के अलोंग ये वाला हो जाएगा वर्टिकली और ये वाला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया W cos 12 डिग्री और ये हो गया W sin 12 डिग्री। उसके बाद ये ऊपर नीचे वेट लग रहा है तो ये ऊपर R1 लगेगा। अब इसको क्या करते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे और एक बार वर्टिकली करेंगे। रिजॉल्व ऑल फोर्स हॉरिजॉन्टली अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। हॉरिजॉन्टल में देखते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में ये पी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में 150 न्यूटन लग रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लग रहा है, और एक डब्ल्यू साइन 12 डिग्री लग रहा है। तो लिखेंगे P इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रिक्शन एक लग रहा है F1 और प्लस W साइन 12 डिग्री। P का वैल्यू दिया है 150 और ये F1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू R1 प्लस W नहीं पता है साइन 12 डिग्री। इसको सीधा करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू R1 प्लस W साइन 12 डिग्री इज इक्वल टू 150 सिर्फ न्यूटन है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन वन मान लेते हैं, और फिर से हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व किए, अब एक बार वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं। लिखेंगे रिजॉल्व ऑल फोर्स वर्टिकली अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। तो क्या हो जाएगा अगर वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, तो देखेंगे फिगर में, इसमें एक R1 ऊपर लग रहा है और नीचे यहां पर
डब्ल्यू कॉस 12 डिग्री एक वेट लग रहा है नीचे, यानी कि आर वन इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस 12, आर वन इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस 12 डिग्री। अब क्या करते हैं, इस आर वन को यहां से उठा करके ये इक्वेशन वन में यहां पर आर वन है ना, इसमें रख लेते हैं, लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ आर वन इन इक्वेशन वन, तो क्या हो जाएगा म्यू आर वन की जगह ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस 12 डिग्री और प्लस डब्ल्यू साइन 12 डिग्री इज इक्वल टू 150। अब इसमें इन दोनों में क्या डब्ल्यू कॉमन है, म्यू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डब्ल्यू जब हम इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो ये डब्ल्यू बाहर आएगा, तो डब्ल्यू इंटू हो जाएगा ये म्यू कॉस 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री इज इक्वल टू 150। यहां से W का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 150 ओपन में, पहले साइन वाले को लिख लेते हैं, साइन 12 डिग्री और प्लस म्यू कॉस 12 डिग्री। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब हम लोग बॉडी B को कंसीडर करेंगे, लिखेंगे यहां कंसीडर बॉडी B, और बॉडी बी में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ये रहा बॉडी बी, ये इस पर 172 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसको F2 लिखेंगे, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है 15 डिग्री दिया, तो रिपोज वही 15 डिग्री हो जाएगा, R2 अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये W तो पता नहीं है, तो हो जाएगा W cos 15 डिग्री और इधर हो जाएगा W sin 15 डिग्री। ओके ये इसको रिजोल्व करेंगे एक बार वर्टिकली और एक बार हॉरिजॉन्टली। अब इसको क्या करते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक एक बार रिजोल्व करते हैं दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स को। तो लिखेंगे बॉडी बी में रिजोल्व ऑल फोर्स हॉरिजॉन्टली अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्स है, एक अपवर्ड डायरेक्शन P लग रहा है 172 न्यूटन का, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में F2 लग रहा है, और एक W साइन 15 डिग्री लग रहा है, यानी P इज इक्वल टू हो जाएगा W प्लस P इज इक्वल टू हो जाएगा F2 प्लस W साइन 15 डिग्री। P इज इक्वल टू है 172 और F2 हो जाएगा म्यू R2 प्लस W साइन 15 डिग्री। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब फिर से इसको क्या करेंगे, एक बार वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, लिखेंगे रिजॉल्व ऑल फोर्स वर्टिकली अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल में देखते हैं कौन कौन से फोर्स हैं। ये हो गया बॉडी बी, वर्टिकल में एक R2 अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है W cos 15 डिग्री, R2 इज इक्वल टू W cos 15 डिग्री। अब इस R2 को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, यहां पर इक्वेशन थर्ड है, यहां पर R2 है, यहां पर R2 का वैल्यू क्या है, जो आया W cos 15 डिग्री उसको यहां पर रखेंगे, तो हो जाएगा 172 इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू ऐसा ही रहेगा, R2 का वैल्यू भी निकालो, ये हो जाएगा W cos 15 डिग्री प्लस W साइन 15 डिग्री। अब इन दोनों में से W कॉमन कर लेंगे, इनको पहले आगे लिखते हैं W कॉमन करके, यहां पर W कॉमन करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा म्यू कॉस 15 डिग्री प्लस W तो कॉमन हो गया, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 172। अब यहां से अगर W का वैल्यू निकालेंगे, W इज इक्वल टू हो जाएगा 172 अपन में, पहले साइन वाले को लिख लेंगे, साइन
15 डिग्री प्लस म्यू कॉस 15 डिग्री, इसको हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन फोर्थ। अब यहां पर ध्यान से देखते हैं कि W इज इक्वल टू है 172 अपन में साइन 15 डिग्री प्लस म्यू कॉस 15 डिग्री, और इक्वेशन सेकेंड में हम लोग निकाले हैं कि W इज इक्वल टू 150 डिग्री अपन में साइन 12 डिग्री प्लस म्यू कॉस 12 डिग्री। तो यहां पर भी W इज इक्वल टू इतना है और यहां पर भी W इज इक्वल टू इतना है, तो यानी कि हम दोनों इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फोर दोनों W इज इक्वल टू करेंगे इक्वल, W इज इक्वल टू W होगा तो यानी भी हो जाएगा यहां पर 150, ये वाला 150 साइन 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री प्लस म्यू कॉस 12 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा अब ये वाला 170 टू ओपन में साइन 15 डिग्री प्लस म्यू कॉस 15 डिग्री। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इज इक्वल टू यहां पर बीच में रहता है तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है मैथ में, वो हम लोग करेंगे। यहां 150 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और यहां से 172 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 150 इंटू साइन 15 डिग्री प्लस म्यू कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू 172 साइन 12 डिग्री प्लस म्यू कॉस 12 डिग्री। ओके अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही सेम 172 को साइन 12 डिग्री से करेंगे और म्यू कॉस 12 डिग्री से एक एक बार करके देखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 150 साइन 15 डिग्री प्लस 150 यहां पर म्यू कॉस 15 डिग्री होगा इज इक्वल टू 172 साइन 12 डिग्री प्लस म्यू 172 कॉस 12 डिग्री। इसको आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं कैसे भी, क्योंकि म्यू इसमें तो मल्टीप्लाई है। अब इसको कैलसी से सॉल्व करते हैं, कैलसी पर देखेंगे तो हो जाएगा 150 साइन 15 डिग्री, ये हो जाएगा 38.82। यहाँ पे लिखेंगे 38.82 प्लस वैसे ही 50 कॉस 15 डिग्री को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 144.88, यहाँ पर म्यू आ जाएगा बाहर, ये 15 कॉस 15 सिर्फ सॉल्व किया हूँ। यहाँ पर वैसे ही सेम 172 साइन 12 डिग्री सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 35.76 प्लस 172 कॉस 12 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 168.24 म्यू। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर भी एक म्यू का वैल्यू है और यहां पर भी म्यू के साथ वैल्यू है, तो इन दोनों को एक साथ करेंगे और ये जो कांस्टेंट है उसको एक साथ करेंगे तो हो जाएगा, इसको उस साइड भेज देते हैं क्योंकि वो बड़ा है, तो हो जाएगा 168.24 ये वाला म्यू, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 144.88 म्यू इज इक्वल टू, अब जब ये इधर आया तो ये इधर आएगा यानी कि 38.82 माइनस 35.76, यहां से अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 23.36 म्यू इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3.06, और यहां से अगर म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 3.06 ओपन में 23.36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से म्यू का वैल्यू आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0.13, इसको 3 लिखेंगे, यानी कि कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन मेरा इस क्वेश्चन का आ गया म्यू इज इक्वल टू 0.13। अब जब कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया तो हमें सिर्फ वेट निकालना रह गया, वेट निकालने के लिए इस कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को किसी एक इक्वेशन में रख लेंगे, जो W वाला जो इक्वेशन है यहां पर जैसे W इज इक्वल टू इक्वेशन है 172 अपन में साइन 15 डिग्री प्लस म्यू कॉस 15 डिग्री, और एक और W इज इक्वल टू इक्वेशन निकाले थे ये वाला, इसमें या तो इसमें रख लेंगे या तो इसमें रख लेंगे। तो चलिए हम लोग इक्वेशन क्या करते हैं सेकेंड में रख के देखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे पुट The value of mu in equation second, और equation second क्या है ये रहा W is equal to 150 अपन में sin 12 degree plus
म्यू कॉस 12 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब म्यू का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 150 अपन में साइन 12 डिग्री प्लस म्यू। म्यू का वैल्यू अभी क्या निकाले हैं, म्यू इज इक्वल टू निकाले हैं 0.13। अब लिखेंगे 0.13 कॉस 12 डिग्री, वैसे ही डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 150 अपन में साइन 12 डिग्री प्लस 0.13 कॉस 12 डिग्री, इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन 12 प्लस 0.13 इंटू कॉस 12, ये हो जाएगा 0.33। अब यहाँ से अगर W का वैल्यू निकालेंगे तो 150 अपन में 0.33 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 454.54 न्यूटन। ये आ गया इसका वेट, और ये वाला जो हो गया 0.13 म्यू का वैल्यू कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.13, ये हो गया कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन और ये वाला हो गया वेट बॉडी का, ये हो गया दोनों आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ 5 न्यूटन वेट इज प्लेस्ड इन अ लिमिटिंग कंडीशन ऑन अ रफ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ प्लेन इज इंक्रीज टू 50 डिग्री फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन एंड कीप द बॉडी स्टेशनरी। बोल रहा है कि एक बॉडी है उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है 25 डिग्री है, और उस बॉडी का वेट कितना लग रहा है 5 न्यूटन। तो जब इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन 25 डिग्री से इंक्रीज होकर 50 डिग्री बढ़ जा रहा है तो यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा इसको स्टेशनरी कंडीशन में रखने के लिए इस बॉडी को, और यहाँ पर भी कितना फोर्स लगेगा इस बॉडी को स्टेशनरी कंडीशन में रखने के लिए, यानी कि P1 और P2 दोनों निकालना है। मान लेते हैं ये बॉडी 1 है, बॉडी ए मान लेंगे इसको और इसको बॉडी बी मान लेंगे। हमें गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन दिया है हमें बॉडी का वेट दिया है 5 न्यूटन, यानी कि W इज इक्वल टू दिया है 5 न्यूटन, और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फाइ दिया है हमें 25 डिग्री। तो म्यू निकालेंगे यहां से, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है टेन फाइव, मैंने फॉर्मूला बताया है आपको। तो यहाँ से अगर म्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 10 25 डिग्री, और म्यू का वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 0.466, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू है 0.466। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक बॉडी को कंसीडर करते हैं, पहले कंसीडर करेंगे बॉडी ए फिर बी। लिखेंगे यहाँ कंसीडर बॉडी ए, इस बॉडी ए में एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है 25 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिपोज भी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 25 डिग्री। तो ये वाला जो फोर्स हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा W cos 25 डिग्री, और ये वाला यहाँ पर एक फोर्स हो जाएगा W sin 25 डिग्री, और यहाँ पर एक R1 ऊपर लगेगा ये वाला फोर्स लगेगा। तो एक बार हॉरिजॉन्टली करेंगे और एक बार वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, लिखेंगे रिजॉल्व ऑल रिजॉल्विंग ऑल फोर्स हॉरिजॉन्टली, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। इसमें क्या क्या है, इस बॉडी में हॉरिजॉन्टली बोल रहा है कि जो ये बॉडी है क्वेश्चन में कि ये जो फोर्स है इसको सिर्फ यहाँ पर होल्ड करके रख रहा है, मतलब कि यहाँ पर यानी कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा तो इसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये फोर्स तो इसको होल्ड करके रखा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये W sin थीटा लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा क्योंकि ये जो P2 है जब 50 डिग्री पे इंक्लाइंड हो जा रहा है तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहा है, तो इसका फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा बट इसका फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा क्योंकि ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर W sin 25 डिग्री इधर है और F और P अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि P1 प्लस F1 इज इक्वल टू हो जाएगा W sin 25 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे P1 प्लस F1 इज इक्वल टू W sin 25 डिग्री, यहाँ पर P1 निकालना है हमें और प्लस F1 इज इक्वल टू होता है म्यू आर
इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन 25 डिग्री। यहाँ से पी वन निकालेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू की जगह 5 लिख लेंगे, 5 साइन 25 डिग्री वेट है इसका। और माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू अभी जस्ट निकाला हूँ जो है 0.466 इंटू आर, आर वन यहाँ पर लिखेंगे आर वन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली रिजोल्व किया था, अब इसको वर्टिकली रिजोल्व करेंगे। लिखेंगे रिजोल्विंग ऑल फोर्स वर्टिकली अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। ये हो जाएगा आर वन अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू कॉस 25 डिग्री लग रहा है। आर वन इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस 25 डिग्री, तो आर वन इज इक्वल टू यहां से निकल जाएगा 5 cos 25 डिग्री। अब इस आर वन के वैल्यू को यहां से उठा करके इसमें रख लेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन, तो वन में रखेंगे तो पी वन इज इक्वल टू हो जाएगा 5 sin 25 डिग्री माइनस 0.466 इंटू 5 cos 25 डिग्री। आर वन की जगह ये वाला वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से पी वन निकालेंगे सॉल्व करके तो हो जाएगा 2.33 न्यूटन। तो ये जो पी वन है वो पी मिनिमम फोर्स है, पी मिनिमम इज इक्वल टू है 2.33 न्यूटन। ये वो फोर्स है कि ये सिर्फ बॉडी को यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिर्फ रखेगा, ना कि ऊपर स्लाइड करेगा ना ही नीचे डाउनवर्ड स्लाइड होने देगा। अब इसमें हमें ये P2 निकालना है, जब एंगल 50 डिग्री पे हो जा रहा है तो ये अवर डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएंगे कि ये मूव कर जाएगा, वो निकालते हैं। अब यहाँ पर करेंगे बॉडी, अब यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर बॉडी B, B को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर ये 50 डिग्री एंगल है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज कितना हो जाएगा, वो भी 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ये W cos 50 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर ये W sin 50 डिग्री और यहाँ पर F2 और R2 और यहाँ पर P2। अब एक एक करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, लिखेंगे रिजॉल्व ऑल फोर्स हॉरिजॉन्टली, पहले वर्टिकली कर लेते हैं, वर्टिकली अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। जब वर्टिकली करेंगे तो यहां पर R2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये W cos 50 डिग्री के बराबर, R2 इज इक्वल टू W cos 50 डिग्री, यानी कि R2 इज इक्वल टू W का वैल्यू है 5 cos 50 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, वर्टिकली कर लिया, अब हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहां पर रिजॉल्व, रिजॉल्विंग ऑल फोर्स हॉरिजॉन्टली अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। यहां पर बॉडी बी में यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक W साइन 50 डिग्री लग रहा है और F2 लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में P2 लग रहा है, यानी P2 इज इक्वल टू W साइन 50 डिग्री प्लस F2। P2 इज इक्वल टू W साइन 50 डिग्री प्लस F2, यानी कि P2 निकालेंगे, P2 इज इक्वल टू W की जगह हो जाएगा 5 साइन 50 डिग्री, F2 हो जाएगा म्यू R2, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 साइन 50 डिग्री प्लस म्यू, म्यू का वैल्यू निकाला हूं जो है यहां पर 0.466 और R2, R2 इज इक्वल टू निकाला हूं ये 5 cos 50 डिग्री इंटू 5 cos 50 डिग्री ये वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 sin 50 डिग्री प्लस 0.466 इंटू 5 cos 50 डिग्री, ये जगह 5.32 न्यूटन।
ये जो पी टू हो जाएगा वो पी मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि पी टू मैक्सिमम फोर्स वो है 5.32 न्यूटन, जो कि इस बॉडी को यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा सके। इतना न्यूटन का अगर फोर्स लगेगा तो ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ओके, ये हो गया इसका आंसर। ये था इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैंने सारे एक एक करके सॉल्व कराए हैं। इससे बाहर फ्रिक्शन के क्वेश्चन नहीं आते हैं डिप्लोमा में। इसके बाद मैं अगले वीडियो में चैप्टर 7, जिसका नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन, उसका वीडियो मैं लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं कुछ पॉइंट नोट डाउन करवाऊंगा और उसका भी कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा आपको कि किस टाइप्स के उसमें न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।